रिसेंटली अक्षय कुमार ने एक टोबैको ब्रांड को साइन किया, लेकिन जैसे ही अक्षय ने उस टोबैको ब्रांड को साइन किया और उसका एड सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वैसे ही फैंस के बीच हड़कंप मच गया और लगातार अक्षय कुमार को जबरदस्त ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। इस वक्त आपको बता दें कि इस चीज पर अजय देवगन का रिएक्शन सामने आ गया है, तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अक्षय के बैकआउट पर क्या है अजय देवगन का रिएक्शन। आप सभी को बता दें कि जहां तक बात आती है अक्षय कुमार की, सो अक्षय हमेशा से ही फिटनेस को काफी प्रमोट करते नजर आए हैं। ऐसे में इस वक्त जब अक्षय कुमार एक ऐसे ब्रांड से जुड़ गए जो कि एक टोबैको ब्रांड है जो जनता की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इस चीज से अक्षय के फैंस को काफी झटका लगा है। जी हाँ, ऐसे में अक्षय ने अपने आप को पीछे कर लिया है इस ब्रांड एंडोर्समेंट से। लेकिन इसी चीज पर इस ब्रांड के मेन एंडोर्समेंट किंग जो माने जाते हैं यानी कि अजय देवगन, उन्होंने सामने आकर इस बारे में डिस्कशन किया है। जी हाँ, अक्षय के बारे में बात करते हुए अजय देवगन कहते हैं, आई डोंट डिस्कस दैट, आई वुड नॉट लाइक टू कॉमेंट ऑन इट, बट ऑल आई वुड से इज दैट व्हेन यू आर एंडोर्सिंग समथिंग, इट्स अ पर्सनल चॉइस, एवरीवन इज मैच्योर टू मेक अ डिसीजन फॉर देमसेल्व्स। इसके आगे अजय देवगन कहते हैं, सम प्रोडक्ट्स आर हार्मफुल एंड अदर्स आर नॉट, ही वॉज एंडोर्सिंग इलायची एंड वुड नॉट नेम और प्रमोट एनी अदर प्रोडक्ट ऑफ द ब्रांड। उसी के आगे बात करते हुए वो कहते हैं दैट ये सबकी अपनी चॉइस होती है कि कौन किस चीज को एंडोर्स करना चाहता है। मैं जानता हूँ कि कई सारे मीम्स भी इस चीज को लेकर बनाए जाते हैं, लेकिन अगेन वो सभी की इंडिविजुअल चॉइसेस होती हैं। वेल, अजय देवगन ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है अक्षय की इंसिडेंट पर। आपको इस पर क्या है कहना, ये आप हमें बताइए नीचे दिए गए कॉमेंट सेक्शन में। दर दर दर, आप कितना फैन है? थैंक यू।